किसको कंडीशनल क्लास बोलते हैं, किसको मेन क्लास बोलते हैं। कंडीशनल जब भी आप एग्जाम में देखें तो वहां पर आपको हमेशा दो क्लासेस हमेशा दिए गए होंगे, एक कंडीशनल और एक आपका मेन। अगर आप बच्चे एनडीए 2024 के टारगेट कर रहे हैं तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एनडीए एग्जाम। ठीक है, उस 10 में से मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, होता है। और आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई सा भी ईयर उठा लो, ठीक है, चाहे फर्स्ट पेपर उठाओ या सेकेंड उठाओ, आपको हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस से मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से जरूर। आज हम अगेन कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस में। ये तो पॉइंट ये आता है कि इफ यू आस्क मी आई वुड टोल्ड यू ऑल दिस। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जहां पर भी कंडीशनल वर्ड, जैसे इफ की हम बात करें, इफ क्या हमारा कंडीशनल वर्ड है जो हमें कंडीशन के बारे में बताने का काम करता है, और जहां पर भी कंडीशनल वर्ड दिया गया होता है हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल वर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? कंडीशनल वर्ड। और जहाँ कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन का जहाँ पर भी रिजल्ट दिया गया होगा, यानी कि उसको लगाए तो फिर उसका क्या आता है रिजल्ट, तो जहाँ पर भी उसका रिजल्ट दिया होगा, उस कंडीशन का रिजल्ट दिया होगा, उसको हम मेन क्लास बोलते हैं। अब पूछने का रिजल्ट क्या होगा कि अगर वो तुमसे पूछता, तो अगर तुम इनसे पूछते या मैं तुमसे पूछता, उसका रिजल्ट क्या होगा कि मैं सारे जो सच था वो सब बता देता आपको, हेल्प नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट होता है उसी को हम बोलते हैं हम मेन, उसी को बोलते हैं हम मेन। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि चाहे कंडीशनल हो या फिर मेन क्लॉज हो, ये हमेशा बच्चों सेम टेंस में लिखा जाता है, चाहे कंडीशनल हो या फिर मेन हो, इसे आप हमेशा सेम टेंस के अंदर यूज करें। ठीक है, हम कभी भी दोनों के टेंस को अलग अलग यूज नहीं करते, इस चीज को ध्यान रखें। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट समझा देती हूँ। देखो पॉइंट क्या आता है कि जब भी आप कंडीशनल में, यानी जहां पर भी आप इसके बाद आप उसके सब्जेक्ट को देखें, एंड सब्जेक्ट के बाद जहां पर भी आप पास्ट टेंस को देखें, जहां पर भी पास्ट टेंस को देखें, पास्ट टेंस जो है बच्चों, पास्ट टेंस जो है वो आपके कंडीशन टू को बताता है। पास्ट टेंस आपके कंडीशन टू को बताता है, कंडीशन सेकंड को बताता है। और आप उसे ध्यान रखेंगे पास्ट के अंदर एक केस आता है। ठीक है, पास्ट के अंदर केस आता है, यानी कि वहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि जहाँ पास्ट टेंस आएगा इसके साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल क्लॉज। क्या बोलेंगे? कंडीशनल क्लॉज। पास्ट टेंस के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दे रखा है, उस केस पे आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की, चाहे फिर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल, आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म, जहां पर भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। ठीक है, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर सेंटेंस आपका इंपेरेटिव, उस केस में आप हमेशा डिड, जहां पर भी डिड आता है वहां पर आप यूज करेंगे। मैं डिड की बात करूं बच्चों, तो डिड का भी सेम केस आता है। हम डिड को भी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, हम हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड को यूज करते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब देखो पॉइंट क्या आता है मित्रों कि पास्ट टेंस से अगर आपको कंडीशन में दिया गया, फिर आप मेन क्लॉज में क्या यूज करेंगे? तो आप मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद विल के पास्ट फॉर्म को, शैल के पास्ट फॉर्म को, कैन के पास्ट फॉर्म को, मे के पास्ट फॉर्म,
अगर मैं बात करूँ गुड शुड गुड माइंड, तो ये आपके क्या है, मोडल्स? ये आपके क्या है, मोडल्स? तो आफ्टर मोडल्स वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन मेन क्लॉज। हम मेन क्लॉज में मोडल्स के साथ गुड शुड गुड माइंड के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की, गुड शुड गुड माइंड के हम यूज करेंगे वर्ब की। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। हमने आज का मतलब होता है जैसे जब आप किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं और उसकी सेकेंड हैंड फर्स्ट फॉर्म लिखी है आज, फर्स्ट फॉर्म आज लिखी है और सेकेंड हैंड फर्स्ट फॉर्म। आप अच्छे ध्यान रखेंगे कि अगर हमें आज तो वहां पर हम गुड के साथ ओल्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि चल चुका है, जब हम किसी को बताने की बात करें चल के लिए सेकेंड फॉर्म ओल्ड है और उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी ओल्ड है। तो आप कभी भी गुड के साथ आप वहां पर यूज करेंगे बहुत ही और उसी के बेसिस पे आप अपने आंसर ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट एरर मैं आपको करा रहा हूँ। टॉपिक जो है कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बेसिक भी ठीक ठाक है, अगर ये कुछ चार मार्क्स का दो आगे तो आठ मार्क्स हो रहे हैं, आगे तो सीधा सीधा बारह मार्क्स हो रहे हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सीखते हुए चलना, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सीखते हुए चलना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि हम वुड के साथ क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे। वुड के साथ क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे। सेम चीज यहाँ पर दे रखे, यू वुड आंसर बेटर इफ यू नो द रूल। बिल्कुल सही बात है, अभी मैं आपको रूल करा रही। अब आप मेरे क्वेश्चन के आंसर इजली दे सकते, मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी आप आसानी से आंसर दे सकते। ऐसा क्यों हो पाएगा, क्योंकि अगर आपको रूल पता है तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे, नहीं पता है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि आप आंसर अच्छे से दे सकते हो, बेटर तरीके से दे सकते हो अगर आपको क्या पता होंगे, रूल्स पता होंगे। अगर आप रूल्स को जानते हो, नियमों को जानते हो तो आप आंसर अच्छे से दे सकते हो, नियम नहीं पता तो आंसर उसको गलत होंगे ही होंगे। अब देखो पॉइंट क्या आता है कि हर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो पहले आता वही कंडीशनल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको सिंपल ध्यान रखना है, जहाँ कंडीशनल वर्ड है देखो वो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा, वो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा। जहाँ भी आपको कंडीशनल वर्ड दिया गया होगा वो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा, जहाँ पर भी कंडीशनल वर्ड दिया गया होगा वो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा। अब जहाँ पर उस कंडीशन का रिजल्ट दिया होगा, जहाँ पर बच्चों उस कंडीशन का रिजल्ट दिया गया होगा वो आपका मेन क्लॉज होगा, वो आपका मेन क्लॉज होगा। रिजल्ट कहाँ दे रखा है हमें, यहाँ पे। अगर हमें रूल्स हम जानते तो हम आंसर अच्छे से दे सकते, उसी कंडीशन का क्या है ये रिजल्ट है ना, उसी कंडीशन का क्या है ये रिजल्ट है। और जहाँ पर भी कंडीशन का रिजल्ट होता है उसे हम बोलते हैं हमेशा मेन क्लॉज। अब पॉइंट क्या आता है, हमने यहाँ पे वुड के साथ देखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने बच्चों क्या देखा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें ये क्लियर हो गया कि वुड तो हमें पास्ट के बारे में बता रहा है, वुड हमें किसके बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है। बट अब पॉइंट क्या आता है कि क्या ये नो करेक्ट होगा, हम जानते हैं पास्ट में किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को जानना यानी कि नो। आप कोई रूल जानते हो, आप किसी व्यक्ति को जानते हो, किसी चीज के बारे में जानते हो, तो नो होता है और नो की जब उसे सेकेंड फॉर्म होती है तो न्यू होती है, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो नॉन होती है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, न्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है एंड नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है।
आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि जब भी आप बुक देखेंगे, बुक का मतलब होता है कि फिर पास को देखते हैं, बुक का मतलब किस को होता है पास को देखते हैं। तो पास के केस में आप कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, ये आपके प्रेजेंट को बताती है। किसको बताती है? प्रेजेंट को बताती है। और आपको अगर इसको पास्ट में बनाना है तो पास्ट में बनाने के लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। यहाँ पर आप नो नहीं क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? न्यू। तो इतना क्लियर हो गया। इसी न्यू के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ गलती होती है, एरर डिटेक्शन का मतलब यही होता है कि जिस पार्ट में आपको गलती दे रखी है, मिस्टेक दे रखी है, वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बहुत ही क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, इफ आई वाज द किंग आई वुड टेल द चिल्ड्रन टू कीप हिज माउथ शट। उसने बोला अगर वो राजा होता, ठीक है, तो वो चेयरमैन को जरूर बोलता कि वो अपनी मुंह को क्या रखे, बंद रखे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों कि क्या यहाँ पर हम बॉस की बात कर रहे हैं तो बॉस किसी सही है? अभी तक हमने काम करने की बात की थी, जानना किसी को एक्शन है। अगर हम कुछ करने की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा एक्शन है। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं कंडीशन के लिए। बट यहाँ तो हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे ना बच्चे। क्या कोई काम है? अगर वो राजा होता, क्या कोई काम करने की बात हो रही है? तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट क्या आता है यहाँ पे कि जहाँ पर भी आपका केस होगा, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, आप इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब का यूज करेंगे। इन दोनों के साथ आप हमेशा वर्ब का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया गया हो या फिर सब्जेक्ट आपको प्लूरल दिया गया हो, आप हमेशा वर्ब का यूज करेंगे। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे बैठे होंगे, क्लास ले रहे होंगे, देख रहे होंगे क्लास को, जिनमें एक माइंड में डाउट जरूर आएगा कि मैम हमने सुना था कि जो वॉज होता है वो सिंगुलर के साथ आता है, क्योंकि हमें स्कूल में टीचर ने ऐसा ही पढ़ाया था कि वॉज का यूज तो हम सिंगुलर के साथ करते हैं और वर्ब का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। हमने ऐसा पढ़ा था, ऐसा सुना था, टीचर ने भी हमें ऐसा ही सिखाया था। तो आपने जो सीखा है, टीचर ने जो सिखाया है, उन्होंने गलत नहीं सिखाया है और ना ही आपने कुछ भी गलत सीखा है। लेकिन बस एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है आपके टीचर और आपके बीच में। वो पॉइंट क्या है कि ये तब करते हैं जब हम किसी काम को करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम किसी काम को करने की बात कर रहे हैं एक्शन की, तो हम वॉज और वर्ब को यूज करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल के बेसिस पे। वॉज और वर्ब को यूज करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल के बेसिस पे। क्या हम ऊपर कुछ काम करेंगे? क्या होगा? अब आप इसको इस तरह से भी समझ लो, इस तरह से भी समझ लो, बीइंग सब होता है बच्चों। अगर आपको वॉज और वर्ब के बाद, अगर आपको वॉज और वर्ब के साथ वर्ब दे रखी है तो आपका एक्शन होगा। आप इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ, ठीक है? और अगर वॉज और वर्ब के साथ, वॉज और वर्ब के साथ आपको वर्ब नहीं दे रखी, वर्ब नहीं दे रखी है, तो फिर ये आपका केस हो जाएगा बींग। फिर ये आपका केस हो जाएगा बींग। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है समझने के लिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए। अगर वॉज और वर्ब के साथ वर्ब है तो एक्शन, और वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की जगह वर्ब ना है तो वर्ब की जगह क्या हो सकता है? भी हो सकता है बच्चों। वर्ब की जगह क्या हो सकता है? प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जो इन दोनों की विशेषता यानी कि क्वालिटी को बताता है, जो इन दोनों की विशेषता यानी कि क्वालिटी को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर वर्ब की जगह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में से कुछ भी आपको मिले
फिर आप उसको बींग समझेंगे, फिर आप उसको क्या समझेंगे, बींग समझेंगे। चलो इतना क्लियर हो गया, तो उस केस में वो किसका काम करेगा, बींग का काम करेगा। अब वही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि किंग हमारी कोई वर्ब है, किंग हमारी कोई वर्ब है नहीं, तो वर्ब नहीं है। तो अब इट मीन्स ये किसका काम कर रहा है, बींग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बींग का काम कर रहा है। तो बींग के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जहाँ बींग का केस होता है बच्चों, वहां सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हो चाहे सब्जेक्ट प्लुरल दिया हो, वहां पर आप हमेशा वर्ब को यूज करेंगे। आई होगा तो भी वर आएगा, ही होगा तो भी वर आएगा, शी होगा तो भी वर आएगा, दे होगा तो भी वर आएगा। यानी कि आप हर एक सब्जेक्ट के साथ, आप हर एक सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, डाउट है यहाँ पे किसी को, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको एक और कुछ पॉइंट देते हैं, हर पॉइंट को लिखते हुए चलना। नेक्स्ट इफ आई डैश यू, आई डैश गिव हर अ स्पेशल गिफ्ट इन हर बर्थडे, इन हर बर्थडे। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा पेयर यूज होगा, वर्ब वुड, वर्ब विल, आर वुड, एम वुड, कौन सा पेयर आप यहाँ पर यूज करेंगे। आप उससे जानते हैं कि जो वर्ब वो तो पास्ट को बता रहा है ना, और जो आर है और ये प्रेजेंट को, मैंने अभी आपको समझाया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम दोनों क्लॉजेस का जो टेंस रखते हैं वो हमेशा सेम, हम कभी भी अलग अलग नहीं, यानी कि दोनों क्लॉजेस में सेम टेंस को यूज किया जाए। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रेजेंट के साथ पास, प्रेजेंट के साथ पास, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि पास के साथ सिंपल फंक्शन लगाएंगे, ये भी कभी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इतना क्लियर हो गया। डाउट है यहाँ तक कि हमारा आंसर आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिएगा। इफ आई डैश अ डॉक्टर आई विल, आगे बात वही है, अगर वो डॉक्टर के साथ हो गए डॉक्टर की मैं बात करूँ, डॉक्टर वैसे क्या, डॉक्टर की मैं बात करूँ किसी चीज़ का नाम है भाई, इतना पढ़ा लीजिए तो आगे आप किसी चीज़ से लिख कर पढ़ रहे हो, इस्तेमाल कीजिए टाइम टाइम के लिए, वो तो ये सब क्या है, डॉक्टर हमारा क्या है, हमारा अब आपको यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, जानते हैं दोबारा हम फिर कंडीशन का वो और खुद का तो यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्या आएगा, सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ और आई के साथ आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में भी, क्या होगा यहाँ पे पहले सुनिए, हम क्लियर हो गए, क्योंकि यहाँ पे वुड जो है ये पास्ट को बताता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे पास्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सुनिएगा नेक्स्ट, इफ ही हैड अ जॉब ही विल नॉट रोम हेल्पर एंड सर्वर इन द, बिल्कुल सही बात है, जब हमारे पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, वो लाइफ का सबसे गंदा फेज होता है, जब कोई व्यक्ति
रोजगार हो जाता है जब उसके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं बचता, यानी कि उस केस में व्यक्ति क्या करेगा, इधर उधर भटक रहेगा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बोलते हैं। और ऐसा फेज लाइफ में कभी भी किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को फेस ना करना पड़े। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स जरूर होना चाहिए, बिना इनकम के सोर्स के लाइफ बड़ी ही डल हो जाती है, ज्यादा बेकार हो जाती है। तो इसके लिए बोला है कि अगर मतलब इफ ही हैड अ जॉब ही विल नॉट, अगर उसके पास जॉब हो तो इधर उधर स्ट्रीट पे नहीं भटक रहा होगा, घूम रहा होगा। अब आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर मैं यहाँ पे हेड की बात करूँ, अगर मैं हेड की बात करूँ तो हेड किसको बता रहा है, टास्क किसको बता रहा है, टास्क। आपको ध्यान रखना है कि जो हैज होता है, हैज का यूज होता है वहां जहाँ सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और हैव यूज होगा वहां जहाँ सब्जेक्ट होगा प्लूरल। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हैज और हैव जो होती है बच्चों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी जो होती है वो हैड होती है, इसी की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। अब आपको ध्यान रखना है अगर हमें हैड दे रखा है तो हैड का मतलब कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं थर्ड फॉर्म कभी भी हैड थर्ड भी होती है, लेकिन ये थर्ड हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये है थर्ड फॉर्म तब आती है जब आपको ग्रामर में हैज हैव और हैड दे। अगर हैज हैव और हैड है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, अदरवाइज आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। हैज हैव और हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदरवाइज हम कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। तो हमने यहाँ पे हैड देखा, हैड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट। तो पास्ट के लिए हम यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, हम विल की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज वुड। विल की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे वुड, और हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ आई हैड मनी आई विल परचेज दैट ड्रेस, बिल्कुल सही बात है, अगर मनी होती तो वो खरीद लेता। अगेन सेम केस है, हार्ड मनी आ गया, मनी मतलब नाउन, ठीक है, मनी मतलब नाउन। अब मैं आपको एक पॉइंट, इस क्वेश्चन में भी आया ये हार्ड, इस क्वेश्चन में भी आया, तो अब मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूँ। देखो आप बच्चों ने अभी तक हमेशा हेल्पिंग वर्ब का था, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, कभी कभी ये हैज था, हैज हैव और हैड, ये हेल्पिंग की जगह मेन वर्ब का, ये हेल्पिंग की जगह मेन वर्ब का भी काम करता है। अब पॉइंट क्या आता है कि कब मेन वर्ब का काम करेंगे, कब हेल्पिंग वर्ब का करेंगे, इसको डिसाइड कौन करेगा। जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों कि आई हैव प्लेड या आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, और एक मैंने आपसे बोला कि आई हैव अ, आप इसे ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मैं प्लेड की बात करूँ, प्लेड क्या है, वर्ब है, तो ये हैव किसका काम करेगा, हेल्पिंग का। अगर पीछे वर्ब है तो हेल्पिंग, बट अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक हमारी वर्ब नहीं है, बुक किसी चीज़ का नाम है, बुक किसी चीज़ का नाम है, तो नाम का मतलब नाउन, तो उस केस में ये कभी भी हेल्पिंग का काम नहीं है। अगर पीछे वर्ब है तो हेल्पिंग, और पीछे वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग नहीं। फिर ये किसका काम करेगा, फिर ये किसका काम करेगा, तो फिर ये काम करेगा आपके मेन वर्ब,
फिर ये किसका काम करेगा, तो फिर ये काम करेगा आपकी मेन ब्लॉक, किसका काम करेगा, मेन ब्लॉक। इतना क्लियर हो गया? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर पीछे वर्ब है, अगर पीछे वर्ब है तो हेल्पिंग, और अगर पीछे वर्ब की जगह नाउन है, और ग्रामर में नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। ग्रामर में नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। ग्रामर में जो नाउन को रिप्लेस करता है वो कौन करता है, बच्चे प्रोनाउन करता है। तो अगर आपको हैज हैव और हैड के बाद नाउन प्रोनाउन बोलते हैं, तो फिर ये हेल्पिंग की जगह किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे। और जब ये मेन वर्ब का काम करेंगे, ठीक है, तो फिर इसको हम बोलते हैं पोजिशन। फिर हम इसको बोलते हैं पोजिशन। पोजिशन का मतलब होता है जो आपको आपका अधिकार बताए, यानी कि ऑनरशिप। जो आपको आपका अधिकार बताए यानी कि ऑनरशिप, ठीक है। और जहां पर भी हम हेल्पिंग की बात करेंगे तो उस केस को हम एक्शन बोलेंगे, उस केस को हम एक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एक्शन का मतलब होता है जब आप किसी भी काम की बात करते हो, किसी भी काम को करने की बात करते हो, वहां पे यूज करोगे। बोलो, इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे। तो अब इसी से रिलेटेड ये भी पॉइंट आ गया, मनी की मैं बात करूँ तो मनी क्या है बच्चों, मनी की मैं बात करूँ तो मनी क्या है, नाउन। तो नाउन के केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, नाउन के केस में आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे हैड लिखा हुआ, तो हैड का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब है, बिना किसी सहायक क्रिया के है, तो फिर डेफिनेटली किसका काम करेगी, सेकेंड फॉर्म का ही काम करेगी। और उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट। पास्ट के केस में आपको ध्यान रखना है मेन क्लॉज में हम कभी भी विल यानी कि सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। हम उस केस में विल की ही पास्ट फॉर्म को लिखेंगे, और जो विल की पास्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, गुड। विल की पास्ट फॉर्म क्या होगी, गुड। और उसी के बेसिस पे जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो सेकेंड हो जाएगा, उसी के बेसिस पे जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया? तो हम क्या बोलेंगे, इफ आई हैड मनी I would purchase that dress. I would purchase that dress. इतना क्लियर है? नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और। If Rajat come here, I would help him to the best of my knowledge. अगर वो यहाँ आता तो मैं उसकी मदद करती, जितने भी नॉलेज मेरे पास है उस सबका यूज कर कर उसकी मदद करती, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती, करती या करता जो भी है। अब आपको चेक करना है यहाँ पर कम मतलब वर्ब की फर्म, और ये वर्ब आपके पास को बताता है। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हम रजत के साथ यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। आपको ध्यान रखना है अगर मैं रजत की बात करूं, अगर मैं रजत की बात करूं तो रजत का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। रजत का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर नहीं आता। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्लूरल के साथ, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा वहां जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और सेम टेंस में अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा एस और ईएस, हमें इसमें लगाना पड़ेगा एस और ई एस। इसको क्या बनाने के लिए, सिंगुलर। इसको क्या बनाने के लिए, सिंगुलर। हमें इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें लगाना पड़ेगा एस और ई एस। तो यहाँ पर हम कम्स नहीं लिख सकते ना, हम यहाँ पे कम्स लिख सकते, नहीं लिख सकते। हमें यहाँ पर कम्स की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यों नहीं लिख सकते कम्स, क्योंकि अगर हमने कम को कम्स करा वो भी तो ये प्रेजेंट ही रह जाएगा ना, और यहाँ पे वुड हमारे पास्ट को दे रखा है। और मैंने अभी आपको क्या समझाया था आज भी क्लास में कि हम दोनों को सेम टेंस में यूज करते हैं, अलग अलग टेंस में हम यूज करते हैं। तो बस इसी को देखकर अब आपको पहचानना है कि यहाँ पर क्या यूज होगा। तो अब हमें पास्ट में बनाना है तो आना जाना ये सब क्या हमारा एक्शन है ना, काम है। तो काम के केस में वक्त सेकेंड फॉर्म लगा दो, तो कम बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो केम होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है अगेन कम होती है। कम की फर्स्ट एंड थर्ड सेम होती है, कम केम एंड कम,
कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, केन का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर। उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन डाउन हो जाएगा फोर हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हो गया था देखिए, आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और रेगुलर बेसिस पे आप अपने क्लासेस अच्छी लगती है तो आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्दी से आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी एनडीए की, और बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और जल्दी से जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी एनडीए बुलेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहें तब तक। ठीक है, अगर आपने टारगेट कर रखा है एनडीए 2024 को।